हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र और अगर आप प्लान कर रहे हो नई बुलेट या नई बाइक लेने का तो वहीं स्टॉप हो जाइए, बिकॉज ये हो सकता है आपके लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा। तो क्यों हो सकता है घाटे का सौदा, उसके लिए मैंने 5 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आप बचा सकते हैं ये लॉस करने से। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी बाय करने वाला है नई गाड़ी नई बुलेट, तो वहीं उनको स्टॉप करिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको दिखाइए 5 पॉइंट एंड आप भी कन्विंस होंगे इस 5 पॉइंट से, बिकॉज आप भी जानते हैं करंट मार्केट का सिचुएशन। तो लेट सी, मेक श्योर इसको आखिर तक जरूर देखें सो दैट आप फुल्ली कन्विंस हो पाए इस 5 पॉइंट से। तो लेट सी। फाइव पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इधर से, ठीक है, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट्स बुलेट्स और बाइक्स के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कि अभी हॉट पॉइंट है, जो कि अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, वो है ABS, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अभी 125cc से ऊपर की गाड़ियों में आने वाला है। तो अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो तो स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज हर एक गाड़ी में अभी नहीं आया हुआ और रेट भी कॉस्टली है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल का और ABS का रेट देखेंगे तो वो अभी कॉस्टली है, बिकॉज अभी भी रेयर है मॉडल, हर एक मॉडल में नहीं आया हुआ। तो अगर सभी मॉडल में आ जाएगा तो वो कॉमन हो जाएगा और रेट जो होगा उसका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करने का एक परफेक्ट रीजन है ये, और ABS आपको देता है फुल कंट्रोल आपकी गाड़ी पे, तो आपको वेट करना वर्थ रहता है, तो वेट उसका जरूर करिए। 2019 में कंपल्सरी होने वाला है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, ठीक है, और वो वैलिडेट हो भी चुका है और ABS श्योरली आने वाला है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड में सिंगल्स मॉडल में एक छोटा सा R&D चल रहा है, उसके बारे में लास्ट में बताता हूं मैं आपको। सेकेंड पॉइंट है रीसेल वैल्यू। अगर आप इस टाइम पे दिवाली धनतेरस के आसपास में अगर आप बाय करते हैं तो आपका 2018 ही गिना जाता है, ठीक है, भले आपने दो तीन महीने ही चलाया हो मगर वो गिना जाएगा 2018 का मॉडल, तो आपको होता है रीसेल वैल्यू का भी लॉस, ठीक है। तो 3 मंथ्स चलाने के बाद भी आपको लगेगा कि पूरा 12 महीने का ये कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो बिल्कुल भी ना करें। रीसेल वैल्यू पे आपके टोटली इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि कई बार आप इसको, पहले ट्रेंड होता था कि लोग इसको साल साल पर खींचते थे, चलाते थे सालों साल लाइफ टाइम तक चलाते थे, बट अभी रीसेल वैल्यू का गया, नई नई गाड़ियां आ रही हैं तो अपग्रेड हो रही हैं, तो आपको अपग्रेड मॉडल चाहिए होता है, तो मैक्सिमम लोग रीसेल करने के लेते हैं, तो रीसेल वैल्यू बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। एंड थर्ड पॉइंट जो कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट कई सारी कंपनीज जो लुभावने ऑफर देती हैं, क्यों देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं अपने मॉडल्स, जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, अपने ओल्ड मॉडल्स को सेल करना। ऑब्वियसली अगर मैं 2019 में बाय कर रहा हूं तो मुझे चाहिए 2019 का मॉडल, जो कि नया होना चाहिए, नई बैच का होना चाहिए, तो अपने सारे जो भी बैच जो नहीं सेल हुए हैं वो चाहती है कंपनी लुभावने ऑफर देके आपको सेल कर दे, ठीक है, तो उससे भी बचना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब भी आपको लेना है तो नया मॉडल ही आप लीजिए, 2019 में आपको मिलेगा फुल्ली अपग्रेडेड मॉडल, ठीक है, ओल्ड मॉडल क्यों लेना। फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है वो है नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, नई गाड़ियां, अपकमिंग गाड़ियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में आ रही हैं, जिससे आपको मिल रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, जो कि 2019 के जैन फेब मार्च अप्रैल तक में बहुत सारे गाड़ी के, जैसे एक गाड़ी का बता दूं, जावा लॉन्च होने वाला, जावा की सेम 350 के टक्कर में बना रहा है, जो कि अपने टाइम पे बहुत अच्छी गाड़ी कहलाई जाती थी, तो वो अपग्रेडेड मॉडल ला रहा है 300-350cc के इंजन्स ला रहा है, और भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आने जिससे आपको मिल सकते हैं और अच्छे ऑप्शंस, तो ये भी आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग रीजन है ना बाय करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो कि आपको फुल्ली कन्विंस कर देगा, अभी जो चल रहा है ABS पे चल रहा है फुल्ली R&D, क्योंकि इंडिया के लिए ये है नया, तो रॉयल एनफील्ड ने जो लॉन्च किया है दो ही मॉडल में, जो कि सिंगल्स मॉडल में लॉन्च किया है, वो इसलिए किया है ताकि वो देख सके सेल्स कितना हो रहा है, कितना डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है, एंड गाड़ी में यूज करने पे कोई इश्यूज चैलेंजेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि बाहर मॉडल्स में मिलते हैं मगर इंडिया के कंडीशन, रोड कंडीशन एंड बाकी के हिसाब से ये सक्सेसफुल है कि नहीं। तो ये चल रहा है R&D पीरियड, अगर आप इस टाइम पे स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो सेम जैसे कटा था पेगासस मॉडल वालों को 250 जो पीसेस बिके थे वैसे ही आपको भी कट सकता है, बिकॉज रेट इसका जो पड़ रहा है 195 तक जा रहा है, 1.95 लाख। तो ये रही बात रॉयल एनफील्ड की, दूसरी गाड़ी में भी सेम है, तो ABS पे हो रहा है R&D, बहुत सारी चीजें मॉडिफिकेशन चेंजेस चल रहे हैं, 2019 में मिलेगा फुल्ली डेवलप मॉडल आपको, ठीक है, R&D जिसपे अच्छे से किया होगा, रिसर्च डेवलपमेंट जिसमें अच्छे से किया होगा, तो उसके लिए वेट करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपको वेट करना जरूरी है, 2019 में ही बाय करिए, दिवाली के कुछ एक
1000 के डिस्काउंट पे मत पड़िए। ABS एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके रुकने का। 125cc के ऊपर मतलब बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं आपके रेंज में, बजट में। अगर आप 3 लाख के अंदर भी देख रहे हैं गाड़ी, या 1 लाख के अंदर या 2 लाख के अंदर, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ABS के अच्छे मॉडल मिल जाएंगे, जिससे आपको मिलता है गाड़ी पे फुल कंट्रोल। गाड़ी पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल डिस्क लॉक की वजह से इश्यूज चैलेंजेस बहुत आते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अगर आप रिसर्च देखेंगे तो मैक्सिमम 60% से ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ब्रेकिंग के वजह से होते हैं। आपने प्रॉपर टाइम पर ब्रेक नहीं किया हो, या ब्रेक आपने पहले कर दिया, उसके वजह से स्केट कर गई है और पीछे से बम्प हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप लोग बाय करें गाड़ी 2019 के मार्च के आसपास ही बाय करें, आपको ABS मॉडल मिल जाएगा, उनकी न्यूज वैलिडेट की हुई है। लव यू ऑल, कीप वॉचिंग बुलेट गुरु, ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स मैं आता लाता रहूंगा आपके लिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को, अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे बेल आइकन दबाने के बाद, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ये तो बता दिया मैंने आपको, ये आपके लिए फ्री भी है। और अभी आने वाला है ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मेरे फनल्स में है, साइलेंसेस के रिगार्डिंग, गाड़ियों के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ें। और लेह लद्दाख का ट्रिप जो है वो भी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको भी आप जरूर देखिए। आपको ऊपर आई मार्क में नोटिफिकेशन आ ही रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए बुलेट गुरु। एंड एक चीज और, सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। राइडिंग गियर पे मैंने एक अच्छा ब्लॉग बनाया है, तो वो आपने जरूर देखा हो। मेक श्योर लॉन्ग राइड पे जब भी आप जाते हैं तो हेलमेट और राइडिंग गियर के साथ में जाइए, प्रोटेक्टिव गियर्स तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए आप लोग, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत केयरलेस लोग देखे मैंने ट्रिप्स में, तो मैं नहीं चाहता, चलिए उस पर डिस्कस नहीं करते हैं हम, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। तो ख्याल रखिए अपना एंड सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।